नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के पूर्व मंत्री कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बयान, दूसरी पार्टियों में अध्यक्ष पहले से तय होते हैं, भाजपा में चुनाव के माध्यम से ही बनता है अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का फैसला करेंगे, पुनर्नियुक्ति या चयन का आप पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगा। वहीं खुद प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल सवाल पर बोले धनखड़ कि पार्टी हाईकमान का फैसला करेगा कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। पल पल सिरसा से अमर सिंह जाने की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि दूसरी पार्टियों में पहले से अध्यक्ष तय होता है, लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर चुनाव और संगठन के माध्यम से ही अध्यक्ष बनता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अंतिम मोहर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। धनखड़ आज सिरसा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ओपी धनखड़ को हाल ही में सिरसा जिला का चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। धनखड़ ने आज सिरसा जिले में कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली, जिनमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर विचार भी रखे। पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा में पूर्ण नियुक्ति तथा नवीन चयन होगा, पर इस पर पार्टी हाईकमान का ही फैसला तय किया जाएगा। मीडिया ने जब ओपी धनखड़ से खुद के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होने के सवाल पर पूछा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का ही फैसला रहेगा और वही फैसला करेंगे कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष के भी चाहे पुनर्नियुक्ति या नवीन चयन जो भी है वो होना ही है, ऐसे कैसे तो रहना नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक पर्व हर लेवल पर है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हुआ है, ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष का भी फिर से एक बार संगठनात्मक दृष्टि से उसका चयन होना है, जिसकी नियुक्ति अब क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले हो गए हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले इसलिए हुए हमसे कि हमारे दो राज्यों में चुनाव चल रहा था, महाराष्ट्र और हरियाणा, तो हम अपने संगठनात्मक काम को पहले पूरा नहीं कर सके, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमसे पहले हो गया। जब आधे से अधिक राज्यों का चुनाव हो जाता है तो देश का चुनाव हो सकता है, इसलिए नड्डा जी की नियुक्ति, नड्डा जी का चयन हरियाणा से पहले हो गया है। अब वो उनके हाथ में है और उन्होंने इस नव नियुक्ति को देना है, अंजाम देना है या सिरे चढ़ाना है। आप दौड़ में शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा आपकी? देखिए, ये दायित्व पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं, संगठन की इच्छा से काम करते हैं। संगठन की इच्छा ही यहाँ पर सर्वोपरि होती है। हर कार्यकर्ता जो है वो संगठन की सामर्थ्य, जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं या एक लेवल पर काम करते हैं, वो संगठन की इच्छा के साथ काम करते हैं, यही उनका स्वभाव जो है बन जाता है, और इसी स्वभाव को भारतीय जनता पार्टी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी बूथ इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक पद्धति से संगठन में चयन होते हैं। एकमात्र ऐसा पार्टी मैं कह सकता हूं इसमें सभी इकाइयों पर चयन होता है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिसमें आप पहले से ही बता सकते हो कि उनके अध्यक्ष कौन बनेंगे देश के लेवल पर, या जो प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं प्रदेश के लेवल पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बता सकता। ये पद्धति हमारी नीचे से ऊपर तक चलती है। आजकल बसंत ऋतु है, पार्टी की भी ये बसंत ऋतु है। पुनर्पलवित एक तरह से जैसे पौधे होते हैं, उसी तरह से पार्टी का संगठन भी पुनर्पलवित होता है। नई नई जिम्मेवारियां मिलती हैं, नए नए दायित्वों के साथ नए नए कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं और एक नए जोश खरोश के साथ आने वाले समय में काम करते हैं। उसी का पर्व आजकल हमारा ये चल रहा है और उसी के नाते सिरसा का दायित्व मुझ पर है। तो आज इन सब कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरे से कौन ऐसा है जिसकी स्वीकार्यता सबसे ज़्यादा है।